खून के खेल में चली गई महिला की जान, अस्पताल के गायनी वार्ड में फिर मचा हंगामा। विंध्या ब्लड बैंक से मंगाया गया था खून और प्लेटलेट्स, हस्ती खेलती महिला ने तोड़ा दम। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिला स्वस्थ थी और अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी उसे खून चढ़ाया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। संजय गांधी अस्पताल में खूनी खेल की कहानी आज की नहीं है। परिजनों ने बताया कि महिला को ओ पॉजिटिव ब्लड एवं प्लेटलेट्स की आवश्यकता डॉक्टरों के द्वारा जाहिर की गई, लेकिन अस्पताल में ना तो ब्लड मिला और ना ही प्लेटलेट्स। मजबूरी में फिर एक बार उसे विंध्या ब्लड बैंक का रास्ता दिखाया गया, जहां से ब्लड और प्लेटलेट्स लाकर महिला को चढ़ाई गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जोड़ी निवासी मृतका गीता वर्मा के पति ने बताया कि एक दिन पहले उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने ब्लड की आवश्यकता बताई, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में ब्लड नहीं मिला। जब एक्सचेंज करने की बात कही गई तो उसी ग्रुप का ब्लड परिजनों से मांगा गया। परिजनों का कहना है कि उसे विंध्या ब्लड बैंक से ब्लड लाने की बात कही गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब वह विंध्या ब्लड बैंक से ब्लड प्लेटलेट्स लेकर आए और महिला को चढ़ाया गया, तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बच्चे की मौत के बाद मिनेरवा अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था। उस बच्चे को भी इसी प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेकर चढ़ाने के बाद मौत होने की बात कही गई थी। इधर महिला की मौत के बाद जब परिजनों ने बचे हुए ब्लड की गुणवत्ता की जांच कराने की बात कही तो संजय गांधी अस्पताल सहित विंध्या अस्पताल ने इनकार कर दिया। यदि ब्लड एवं प्लेटलेट्स की गुणवत्ता सही थी तो परिजनों के संतोष के लिए ब्लड की जांच करानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि रीवा में अक्सर समाज सेवी संगठन, पुलिस और प्रशासन के द्वारा निरंतर रक्तदान कैंप लगाए जाते हैं। सैकड़ों लीटर रक्तदान होता है जिसका स्टोरेज संजय गांधी अस्पताल सहित विंध्या ब्लड बैंक में कराया जाता है, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर लोगों को खून उपलब्ध नहीं होता। यदि होता भी है तो उसके परिजनों को ऊंचे दाम चुकाने पड़ते हैं। अस्पताल में खून की दलाली प्रथा का यह पहला मामला नहीं है। अस्पताल प्रशासन पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री। अभी आप बता रहे हैं कि क्या घटना हुई आपके वाइफ के साथ, क्या हुआ था अभी तक? मैंने अपनी वाइफ को कल यहाँ एडमिट किया था। मेरा नाम कमलेश्वर वर्मा है, मैं ग्राम जोरी का रहने वाला हूँ। यहाँ एडमिट किया मैंने, इन्होंने बोला कि आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी यह डिलीवरी होने वाली है, ऐसा ऐसा किया। आज दोपहर हमको पहले 10 बजे मैडम आई, मैं नाम नहीं जानता उनका, बहुत सारी मैडम रहती हैं, वो बोली कि आपका बच्चा ऐसा हो गया है, वैसा हो जाएगा, मैं माँ को बचा पाऊँगी, बच्चे को बचा पाऊँगी। फिर बोलती हैं 7 यूनिट वो चाहिए, प्लेट्स चाहिए, 4 पैकेट ब्लड चाहिए, यही सब मतलब। आप यहां से अवेलेबल करवाए थे? मैं गया यहां ब्लड बैंक, यहां पे नहीं था वो चीज। कौन से ग्रुप का ब्लड था? ओ पॉजिटिव, वो यहां नहीं था। वो यहां नहीं, तो उन्होंने वहां पे एक बंदा था, उन्होंने ये बोला कि यहां ये नहीं मिल पाएगा, एक्सचेंज करके वो आप दिलवाइए। तो मेरे पास उस टाइम पे कोई एक्सचेंज करवाने वाला नहीं था, उस ग्रुप का नहीं था। उन्होंने बोला कि उसी ग्रुप का चाहिए, तब आपको प्लेट्स मिलेंगे उसी ग्रुप के। फिर मैं आया यहाँ, मैं गया विंध्या हॉस्पिटल। पहले कौन भेजा था आपको? विंध्या को किसी ने नहीं भेजा था, मैं जानता था। मैं एक बार और वहाँ से ब्लड लेकर आया, मैं विंध्या गया हॉस्पिटल, विंध्या वो है ब्लड बैंक, उसमें गया तो मैंने पहले एक पाउच लाया करीब 11 बजे, वो चढ़ाया गया। इसके बाद समथिंग 2 बजे ओटी में ले जाया गया, इसके बाद फिर एक चढ़ाया गया ओटी के होने के बाद। इसके बाद यहाँ मैडम आती हैं राउंड पे और बोलती हैं कि 2 यूनिट और मंगवाओ प्लेट्स। इसके बाद हाँ प्लेट, अब मैं चला गया लेने, पहले तो इन्होंने बोला था 7, और इसके बाद वो बोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मेरी माँ थी उनसे बोल रही थी, पानी पीना है, सब कुछ है, हम लोगों तो जाने नहीं दिया जाता अंदर। इसके बाद आधे घंटे बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनको ब्लड चढ़ाने के बाद। हाँ, ये किसकी व्यवस्था है? मैं जवाब चाहता हूँ कि मैं किससे जवाब मांगू, किससे जवाब मांगू, आप बताइए। अच्छा, जो आप वहाँ से ब्लड लेके आते हैं तो क्या उसकी क्रॉस जांच होती है या फिर डायरेक्ट चलाते हैं? जब सैंपल लेकर हम लोग जाते हैं तो वो लोग हमसे फॉर्म सबमिट करवाते हैं सैंपल की। अब अंदर तो क्या हो रहा है तो हम लोग हमको दिखाई नहीं दिखाते नहीं है, यही सब है। अब बताइए मुझे कौन जवाब देगा इसका? मतलब आपका कहना है कि इसके कुछ समय पहले तक वो अच्छा खासा बोल रहा था। इनकी लापरवाही, इनका स्टाफ, मैंने कल एडमिट किया इनका स्टाफ, अगर इनके स्टाफ को अंदर जाके कुछ पूछा जाए तो इनका स्टाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है, सीधे मुंह। चलिए, ये तो यहाँ की मान लीजिए व्यवस्था हो गई, लेकिन आपका ये मानना है कि ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी हालत बिगड़ी है? ब्लड चढ़ा है वैसे ही ये काम, और इनका भी वो है, ये पेशेंट को इतना डरा देते हैं हर चीज को, वो है मेन ब्लड के बाद ही दिक्कत हुई ना, ब्लड के बाद दिक्कत हुई।